प्रथम व्रत कथा। गांव में एक ग्वालियर की थी, वो हर उनके फूल ढेर सारे घर से पड़ी थी। वो जो है हर छठ के दिन, लगही छठ के दिन जो है खूब ढेर सारा सारे दूध का दही जमाती, और गांव में जितनी औरतें छठ का व्रत रहती उनको सबको बांटी आती। इस तरह से उनका सिलसिला चलता रहा, वो बांटती, और उनका जो दूध दही का कारोबार था वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। वो इसी तरह से करती रही, फिर धीरे धीरे करके उनके बेटा बड़ा हुआ, बहू आई, तो छठ का व्रत आया, तो पहले की तरह उन्होंने वही सब किया जो हमेशा। तो उनकी बहू ने अपने पति से कहा कि इस तरह से तो ये बूढ़ा बड़ा नुकसान करते हैं, सारा दूध दही सबको मुफ्त में बांटी आती हैं, आज के दिन कितना महंगा दूध दही बिकेगा अगर बेचा जाए। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, कहीं अगली बार छठ आएगी तो अम्मा को आप मामा के यहाँ भेज आना। छठी आई और छठी आने के कुछ ही दिन पहले वो अपने प्लान के अनुसार, योजना के अनुसार ले गए मम्मी को, अपनी अम्मा को मामा के यहाँ पहुँचा आए। फिर यहाँ ये खूब अपना दूध दही जमाई और खूब दूर दूर गांव में बेचने निकल पड़े, और खूब बेची, खूब महंगा छठी के दिन महंगा बिका ही, खूब ढेर सारा पैसा रुपया अनाज सब लेके लौटी। बड़ी खुश थी, आज तो हमने बहुत कमा लिया। फिर सब रखो के कहीं सोची कि लाओ जाए भैंसों को देखाएं, देखें तो सारी भैंसें मृत पड़ी हैं उसमें पशुशाला में। तो सोची कि अब क्या करें, तो अपने पति से बताएं, तो पति भी आए, वो बहुत चिंतित हुए, रोने लगे, कहे देखो अम्मा हमेशा जो है करती थी ये छठी माता का प्रकोप है जो हमारे साथ ऐसा हुआ है, तुम जाओ तो क्या करें, कहीं जाओ अम्मा को लेके आओ। और वहाँ अम्मा को सब यहाँ की कहानी पता चल गई थी, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे वो लटकाए पहुँचे, अम्मा देखी कहीं कि क्या हुआ भैया, कहीं अरे अम्मा बहुत अनर्थ हो गया। तो कहीं कि क्या हुआ, कहीं सारी भैंसें मर गई, कहीं कैसे, कहीं पता नहीं, कहीं कि सारे दूध दही का क्या किए थे तुम, कहीं कि वो कहीं कि आज के दिन महंगे बिके थी और सब दूध दही बेच आई, किसी को दिया नहीं। तो कहीं चलो अच्छा चलते हैं, वो वहाँ से निकल पड़ी। जहाँ भी रास्ते में जो पूछ के गई थी, ये पत्ता अपने कोछे में धरते हुए पूरा बटोर के लेके चली आई। आई अपनी सारी भैंसों के मुंह में एक एक पत्ता, ये दही गुड़, अरे दही महुआ, ये पत्ता मुंह में लगा दी अपने भैंसों के, और माफ़ी मांगी कि बच्चे हैं, अनजान हैं, गलती हो गई माता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम हमेशा करते आए हैं वैसा करेंगे। सारी भैंसें उनके उठ के जाग के खड़ी हो गई, तो छठी माता ने जैसा उनको फल दिया वैसे सबको दे, जय छठी।